हेलो नमस्ते वेलकम। इरेगुलर शेप, उसका डायरेक्ट आइसोमेट्रिक हम निकाल सकते नहीं थे, इसलिए पहले हमने ये व्यू निकाला था फ्रंट। इन फ्रंट से ये बी सी, ये तीन पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट हमको मिले फ्रंट में, तो उसका उपयोग करके हमको अभी आइसोमेट्रिक निकालना है। तो आइसोमेट्रिक इस का फायदा लेके हम आइसोमेट्रिक कैसा निकालेंगे वो अभी देखने वाले हैं। इसका टोटल लेंथ है 100। पहले अभी इधर से एरो है तो फ्रंट ये हो गया, यानी राइट साइड में फ्रंट है, इसलिए लेफ्ट साइड से एरो का फ्रंट का ये रहेगा एस। इधर से आदमी देख रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से हमको विड्थ का डायमेंशन इधर मिलेगा और लेंथ का डायमेंशन लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो ये 100 हो गया और ये 40, ये डायमेंशन है 100, लेंथ का डायमेंशन 100 और विड्थ का डायमेंशन 40। पूरा बॉक्स भी पूरा कर सकते हैं, वर्टिकल लाइंस निकाले इस तीनों पॉइंट से, हाइट का डिस्टेंस लेके वापस उसको पैरेलल लाइंस बेस को 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री और ये पूरा वापस 30 डिग्री निकालेंगे तो पूरा बॉक्स पूरा होगा। बॉक्स निकालने के बाद अंदर हमको आइसोमेट्रिक इसका कैसे निकालेंगे वो अभी देखने वाले। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये पहले हमको प्लॉट करने पड़ेंगे, किधर है वो देखने पड़ेंगे। अभी ए पॉइंट जो है तो हमने देखा कि लेंथ वाइज डिस्टेंस, यानी एक्स डायरेक्शन में ए पॉइंट का 30 है, तो x डायरेक्शन में पहले 30 लेंगे। x डायरेक्शन है समझो a पॉइंट और ये x, o पॉइंट और ये y डायरेक्शन, o से x डायरेक्शन में 30 लिया और y डायरेक्शन में 50 लेना है। a पॉइंट के लिए y डायरेक्शन में 50 लेंगे तो ये 30 डिग्री, इसको पैरेलल और ये वर्टिकल लाइन जिधर मिला उधर a पॉइंट हमको मिलेगा। तो a पॉइंट पहले मिला, b पॉइंट भी वैसे ही निकालना। बी पॉइंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में 60, तो ओ एक्स एक्स डायरेक्शन में ओ से 60 लिया बी पॉइंट निकालने के लिए, और वाई डायरेक्शन में 40, वाई डायरेक्शन में 40 लेने के बाद हमको 30 डिग्री लाइन निकालना पड़ेगा, और ये वर्टिकल लाइन जिधर मिलेगा उस पॉइंट में हमको बी पॉइंट मिलेगा। तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, अभी सी पॉइंट कितना है। सी पॉइंट है 90, एक्स डायरेक्शन में 90, एक्स डायरेक्शन में 90 लेने के बाद वर्टिकल लाइन निकाला, और ये वर्टिकल लाइन कितना निकाला, वाई डायरेक्शन में 60, वाई डायरेक्शन में 60 लेने के बाद हमको ये 30 डिग्री में जिधर कट मिलेगा उधर सी पॉइंट हमको आएगा, सी पॉइंट मिलेगा। इस तरह से हमको ए पॉइंट मिला, बी पॉइंट मिला और सी पॉइंट मिला, ये स्लैंट मिला, ये भी स्लैंट इधर तक, और ये इधर से इधर तक स्लैंट रहेगा टिप पर। अभी देखिए इस पॉइंट से हमको 30 डिग्री है पहले ही, ए पॉइंट से हमको 30 डिग्री लाइन निकाल के उस पर 40 लेंगे, बी पॉइंट से भी 30 डिग्री निकाल के 40 डिस्टेंस विड्थ का, सी से भी विड्थ का 40 डिस्टेंस लेंगे। इस तरह से हमको ए बी और सी, समझो ए ए डैश हो गया, ये बी बी डैश और ये सी सी डैश, वाई डैश और ये एक्स डैश, तो इस पॉइंट से हमको डायरेक्ट ज्वाइन करना है। ये बी बी डैश ए डैश ज्वाइन किया, यानी डिस्टेंस ये 40 लेने के बाद हमको ये पॉइंट्स मिले, इसका भी विड्थ का डिस्टेंस 40 है, तो सी डैश भी मिला। इस तरह से हमने ये एजेस डार्क करने के बाद हमको आउटलाइंस मिलते हैं, आउटलाइंस मिलने के बाद ये वर्टिकल लाइन और पूरा बॉक्स कंप्लीट करने के बाद हमको ये ब्लॉक पूरा मिला, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आउटलाइंस मिला, और बाद में जो नहीं चाहिए वो हम रब कर सकते हैं। यानी इस ड्राइंग में इरेगुलर जो सरफेस रहेगा तो उसका जो मेन पॉइंट्स है जिधर से डायरेक्शन चेंज होता है वो पॉइंट्स हमको पहले निकालने होते हैं, और बाद में उसका पहले उसका ऑर्थोग्राफिक निकालने के बाद वो डिस्टेंस कितना है वो समझ में आता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। टू डायमेंशनल फिगर में, ये टू डायमेंशनल फिगर फ्रंट व्यू में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मालूम हुआ,
वही डिस्टेंस ट्रांसफ़र करके आइसोमेट्रिक में 30 डिग्री में लेने के बाद हमको पॉइंट्स मिलते हैं, और वो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, उस दो डायरेक्शन में हमको पॉइंट्स मिलने के बाद जॉइंट करेंगे तो एक्चुअल आइसोमेट्रिक एक्यूरेट डायमेंशन में मिलता है। इस तरह से हमने आइसोमेट्रिक पूरा किया इरेगुलर सरफेस का। और यह हमको ये ड्राइंग अभी इस तरह के और निकाल सकते हैं इरेगुलर सरफेस वाले, तो और प्रैक्टिस होगी। आज के लिए हम इतना सीखे। ओके, थैंक यू।